Hello students, this is your SST class and today we'll discuss about the Constitution of India. Do you know that every school, educational institution have their set of framed rules? Har school ke kuch rules hote hain. Similarly, most of the democracies in the world have a set of rules. Isi tarah har country ke bhi hai rules hote hain. जिसके अकॉर्डिंग है वहाँ की गवर्नमेंट है वो कंट्री को गवर्न करती है. नाउ कैन यू गेस व्हाट दैट सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड, और वो जो रूल्स होते हैं सेट ऑफ रूल्स को बोलते क्या हैं? सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? अ कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ सेट ऑफ फंडामेंटल और बेसिक लॉज ऑफ द कंट्री. और एक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक संविधान होता है, वही डिफाइन करता है उसके सिटीजन्स के राइट और ड्यूटीज़. एंड इट प्रोवाइड्स द बेसिक गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न्ड. और ये संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो गाइडलाइंस देता है जिसके अकॉर्डिंग है उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कंट्री को गवर्न करती है, कंट्री को चलाती है. एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी शुड थिंक कि वट वॉज द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, कि इंडिया को है कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या थी. इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड देर वॉज नीड टू ब्रिंग ऑर्डर एंड मेक पीपल कोऑपरेट विद ईच अदर इन आवर कंट्री. इंडिया के आज़ाद होने के बाद हमें नीड थी कुछ गाइडलाइंस की जो हमारी कंट्री के सिटीजन्स के राइट बताएँ, ड्यूटीज़ बताएँ, और जो गवर्नमेंट है वो कंट्री को रन करेगी, गवर्न करेगी, उसके लिए भी गाइडलाइंस हों. सो अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वाज सेट अप टू फ्रेम अ सेट ऑफ बेसिक लॉज फॉर द कंट्री एंड दिस बॉडी केम टू बी नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कुछ जो लोग चुने गए जो कि फुल इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे और वो सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे जो कि हमारी कंट्री पे वो रूल्स हैं अप्लाई होंगे सिटीजन्स के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में भी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 1946. नाउ यू नो कि इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 1947 में. तो उससे पहले ही 1946 में है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बन गई थी. इट हैड टोटल 389 मेंबर्स. बट व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तब हमारी कंट्री है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, वन इज़ इंडिया एंड वन वॉज पाकिस्तान. तो उसी रीज़न से है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी चेंज करना पड़ा. And finally, the membership of the Indian Constituent Assembly was reduced to 299. उस असेंबली में जो कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, रूल सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे, उस जो असेंबली में कितने मेंबर्स रह गए? 299. It was not easy to frame laws for the country, for the citizens. ऐसे रूल बनाना कोई आपको, आप समझ सकते हो कि कोई आसान काम तो रहा नहीं होगा कि ऐसे रूल्स बनाए जाएं जो कि हैं इंडिया के हर एक सिटीज़न पे अप्लाई हों. सो अ ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज सेटअप. इसी काम के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसका काम क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए उसको शेप देना. एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये इतना डिफ़िकल्ट काम था, पूरी कंट्री के रूल्स, कंट्री के लिए रूल्स बनाना, गवर्नमेंट के लिए, सिटीजन के लिए, तो इसको टाइम कितना लगा? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इट वॉज 2 years, 11 months and 18 days. इस टाइम पीरियड के बाद है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कम्प्लीट हुआ. एंड इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 November 1949 एंड इट केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 January 1950.
That's why 26 January is celebrated as India's Republic Day. Now let's discuss about nature of the Indian Constitution. An Indian Constitution ki hai, wo nature kahan pe define ki hui hai? Iske preamble mein. So what is preamble? Preamble is the introduction to the Constitution. ये क्या है? Introduction है हमारे Constitution की. ये एक क्या है? एक document है. It explains the Constitution's purpose and underlying philosophy. The preamble is important because it contains the philosophy on which the entire Constitution has been built. ये क्या represent करता है? Preamble की nature की है वो. State क्या होगी? जो सारा Constitution में define किया हुआ है उसी को वो बताता है प्रीएम्बल कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी नेचर क्या है, मेन फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की. द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स द इंडियन स्टेट अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. नाउ वी विल डिस्कस कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है. सॉवरन मीन्स इंडिया इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल, कि अब हमारी कंट्री पे किसी और का कंट्रोल नहीं है और इंडिया अपनी पॉलिसीज़ है वो खुद बना सकता है. नेक्स्ट इज सोशलिस्ट. बीइंग अ सोशलिस्ट स्टेट इसकी फीचर्स क्या होनी चाहिए? टू एस्टेब्लिश अ सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेट, एक ऐसी सोशल और इकोनॉमिक स्टेट बनाना जिस पे किसी का एक्सप्लोइटेशन ना हो, जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो और सबको है वो इक्वल राइट्स मिले सारे सिटीजन्स को. नेक्स्ट इज सेकुलर. सेकुलर का मीनिंग क्या है? कि देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन, जो स्टेट का है हमारी कंट्री का अपना कोई रिलीजन नहीं है और जो सारे हर एक सिटीज़न है वो अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन है वो फॉलो कर सकता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक का मीनिंग क्या है? कि जो इंडिया के सिटीजन हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपनी गवर्नमेंट को वो खुद इलेक्ट करेंगे. और हम अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कैसे करेंगे, चुनेंगे कैसे? थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. आपको पता है ना इलेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, उसमें क्या होता है, हर एक सिटीज़न है वो वोटिंग करता है और जिनको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वही अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं. नेक्स्ट इज रिपब्लिक. रिपब्लिक का मीनिंग क्या होगा? इंडिया इज़ अ रिपब्लिक, इट मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट्स इलेक्टेड By people of India. जो हमारी government का है, sorry हमारी state का जो head है वो directly या indirectly है India के citizen के द्वारा ही चुना जाएगा for a fixed tenure, एक fixed time period, for example for 5 years. और हमारी country में अब hereditary rule नहीं है. Like old times में क्या होता था कि एक king है, आगे उसका बेटा king बनेगा, next ऐसे ही चलता था ना उनका system, but India में ऐसा system नहीं है. And here you must note two terms, socialist and secular, ये originally हैं हमारे constitution में नहीं थी ये two terms. These two terms were added in the preamble in 1976. मीन्स कि ओरिजिनली है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये टू टर्म्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर इसमें नहीं थी, ये 1976 में ऐड की गई हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट इज जस्टिस. मीन्स नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर. ऑल सिटीजन्स आर इक्वल और सबके इक्वल राइट्स होंगे. और जो भी सिटीजन्स हैं जो 18 ईयर्स की एज से अबव हैं उनको सबको ये वो वोटिंग का राइट मिलेगा. नेक्स्ट इज लिबर्टी. लिबर्टी वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है? आज़ादी. मीन्स सिटीजन्स आर फ्री टू थिंक, एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड फॉलो द फेथ. हम अपनी मर्जी से हैं कोई भी जो धर्म है वो फॉलो कर सकते हैं, अपने जो व्यूज़ हैं अपने विचार हैं वो पेश कर सकते हैं. एंड इक्वेलिटी कि ऑल सिटीजन्स हैं वो इक्वल हैं, सबको जो इक्वल राइट्स हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. नेक्स्ट इज़ फ्रेटर्निटी. नाउ फ्रेटर्निटी किस सेंस में यूज़ होगा इंडिया में? नाउ यू नो कि इंडिया में है जब अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं और यहाँ पे है डाइवर्सिटी है, लोगों का कल्चर अलग अलग है, बट फिर भी एज
इंडिया सिटीजन्स उनका एक कॉमन इंटरेस्ट है. वी ऑल आर इंडियंस, चाहे हमारा रिलीजन अलग अलग हो, हमारे कल्चर अलग अलग हो. ग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग है, जो अलग अलग ड्रेसेस पहनते हों, अलग अलग खाना खाते हों, बट फ्रेटर्निटी प्रमोट्स फेलो फीलिंग अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम एक ही कंट्री के सिटीजन हैं. एंड इट एम्स एट पुटिंग एन एंड टू द सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज. एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस यूनिटी. देर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. थैंक यू.